महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी येसु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को बड़ा करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो तू राजा है? हाँ, सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप धो मेरा। यहूदियों के राजा की जय हो। अरे, बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राज मुकुट।
देखेंगे उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, क्रूस के नीचे वो कांपों के राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अभी बहुत दूर साधन नहीं मिला, तो उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को उन्होंने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितना प्यारा जो यीशु उसके आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मलते देखने को मां मरियम मजबूर है। उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहज स्वीकार कर सकूं। परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आभार हमारे मरने के समय। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। पांचवा विश्राम, सैनिक क्रूर निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। दुनिया को बचाया,
मुंडी से इसका खून जमाते हैं। तब तो रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन कहां के रहने वाले हो? सीरीन का। इस व्यक्ति को खुश होने में मना करो। जी 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 विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। Thank you.
धर्म की स्त्रियां यीशु के लिए कांपती है। हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। प्रभु क्या हो गया? प्रभु ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्न कर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और निर्मलता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। हे यीशु, मैं तेरे दुख और अपने पापों पर लौटा हूं, मुझे क्षमा प्रदान कर, क्योंकि निरोगों को नहीं रोगियों को व्याधि की जरूरत होती है। तू मुझ जैसे पापियों को ही बुलाने आया है। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।
यीशु की क्रूस सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर दुश्मनों ने मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं। अब ना सहारा कोई तेरा आई है मृत्यु नजदीक क्रूस पे लिटा दिए यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। मजा आया ये देखो तो कैसा फल पड़ रहा है राजाओं का राजा। पांव कैसे पट्टे की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कब कभी। एक एक आहा आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों के खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा कुछ न कहा दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है ये कैसा खुदा है। ये मेरा मसीह है मेरा खुदा। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। बारवा विश्राम यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रीस्त हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की
और सिर हिलाते हुए ये कहा, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य योहन को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ तो देखा कि वह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, अधर्म के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं। लेकिन प्रभु, आपने तो अधर्म से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राण सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर से लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया,
जैसे लहरों जैसे आंसुओं की धारा है। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा बन दे सबर तेरे साथ जीवन की आह में जीवन की चाह में।